नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे RTE एडमिशन 2021-22 के बारे में। जहाँ दोस्तों RTE एडमिशन 2021-22 के ऑनलाइन फॉर्म कल 11 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट होने जा रहे हैं और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी चाइल्ड की एज यानी बच्चे की उम्र, साथ ही RTE में एडमिशन के लिए आपको कौन से 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और उसी के साथ इसके फॉर्म भरने से लेकर आपके बच्चे के एडमिशन तक की संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, जिससे कि RTE एडमिशन 2021-22 से जुड़ी हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं RTE एडमिशन 2021-22 के लिए आपके चाइल्ड की एज यानी बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके बच्चे की एज 31 मार्च 2021 के डेट को कम से कम 5 वर्ष और साथ ही अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए। अगर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच की होनी चाहिए, तभी आप RTE एडमिशन 2021-22 के तहत अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स की 25% सीटों पर करवा सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आपके बच्चे की उम्र कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष होनी चाहिए और इसके लिए बेस डेट 31 मार्च 2021 निर्धारित की गई है, यानी 31 मार्च 2021 को आपका बच्चा कम से कम 5 वर्ष का और 7 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बात करते हैं तो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31 मार्च 2014 से 31 मार्च 2016 इन दोनों डेट्स के बीच की होनी चाहिए, तभी आप RTE के तहत अपने बच्चे का प्रवेश करवा सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स की। तो फ्रेंड्स यहां पर 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए आपके बच्चे के एडमिशन के लिए। पहला डॉक्यूमेंट आपका जो होगा वो होगा मूल निवास संबंधी दस्तावेज। ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो भी मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। आपके पास अगर ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप निश्चित ही अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट में है आपका मूल निवास संबंधी दस्तावेज। इसके अंतर्गत आप इनमें से कोई भी एक काम में ले सकते हैं। यदि आपका या आपके बच्चे का मूल निवास है तो वो चलेगा, राशन कार्ड है तो वो भी चलेगा, आधार कार्ड है तो वो भी चलेगा, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी चलेगा, आपका मतदाता पहचान पत्र है वो भी चलेगा, और या फिर आपके घर का बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जो कि 6 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, अगर आपके पास ये भी है तो ये भी आपके मूल निवास संबंधी दस्तावेज में चलेगा। फ्रेंड्स आप इस डिस्प्ले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पहला डॉक्यूमेंट है आपका जो कि आपको इनमें से कोई भी एक चाहिए, सारे के सारे नहीं चाहिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई भी एक होगा तो आपका मूल निवास संबंधी दस्तावेज के रूप में वो काम आ जाएगा और आपका काम एक बार के लिए बन जाएगा। देन फ्रेंड्स बढ़ते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 2 की ओर। तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 में आपको चाहिए आपके बच्चे की उम्र संबंधी दस्तावेज। इसके अंतर्गत आपके पास यदि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत अच्छी बात है, वो काम में आ जाएगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो ऐसी स्थिति में अस्पताल या फिर सहायक नर्स या फिर दाई द्वारा जो रजिस्टर यानी अभिलेख उनके द्वारा जो लिखित दिया जाता है अगर वो है आपके पास तो वो भी काम आ सकता है, और अगर ये भी नहीं है तो आप आंगनबाड़ी अभिलेख को काम में ले सकते हैं या फिर बच्चे के आधार कार्ड को काम में ले सकते हैं। ध्यान रखें बच्चे के उम्र संबंधी दस्तावेज में मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट बताए हैं। पहला बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा अस्पताल या सहायक नर्स या दाई द्वारा लिखा गया अभिलेख, और साथ ही तीसरा आंगनबाड़ी अभिलेख, और चौथा आधार कार्ड। इन चारों में से कोई एक अगर आपके पास है तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा डॉक्यूमेंट नंबर 2 के लिए। सभी नहीं चाहिए, कोई एक ही चाहिए। देन फ्रेंड्स बात करते हैं डॉक्यूमेंट नंबर 3 की। तो डॉक्यूमेंट नंबर 3 में आप जिस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं उस कैटेगरी का प्रूफ यहां पर आपको चाहिएगा। ध्यान रखें RTE में प्रवेश के लिए 2 तरह की कैटेगरीज निर्धारित की गई हैं।
पहली कैटेगरी है दुर्बल वर्ग और दूसरी कैटेगरी है असुविधाग्रस्त समूह। अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम होने का आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट नंबर 3 के स्थान पर। ध्यान रखें, अगर आप दुर्बल वर्ग से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपए या उससे कम का आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा दस्तावेज नंबर 3 की जगह। और अगर फ्रेंड्स आप इसकी दूसरी कैटेगरी यानी असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में डॉक्यूमेंट नंबर 3 की जगह आपका यहाँ पर निम्न दस्तावेज चाहिए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर बच्चा अनाथ है तो अनाथ होने का प्रमाण पत्र, अगर बच्चा एचआईवी या कैंसर से प्रभावित है या फिर बच्चे के अभिभावक यानी माता पिता कैंसर से प्रभावित हैं या फिर बच्चे का संरक्षक कैंसर से प्रभावित हैं तो ऐसी स्थिति में उसका जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको चाहिए। और साथ ही अगर बच्चा युद्ध विधवा का बालक है तो इससे संबंधित प्रमाण पत्र, और साथ ही अगर बच्चा निःशक्त है तो निःशक्त होने का प्रमाण पत्र, और साथ ही अगर बच्चा ओबीसी या एमबीसी से बिलोंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसके अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपए से कम या 2.5 लाख रुपए होने का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। और अगर बच्चा बीपीएल केंद्रीय या राज्य सूची से आता है तो आपके बीपीएल कार्ड का फोटो आपको चाहिएगा इसमें एडमिशन के लिए एस डॉक्यूमेंट नंबर 3। मैं फिर से बता दूं, आरटी में प्रवेश के लिए 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं। पहला डॉक्यूमेंट है मूल निवास संबंधी दस्तावेज, उसमें कि आप इनमें से कोई भी एक काम में ले सकते हैं। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपके बच्चे की उम्र संबंधी दस्तावेज, जो कि इनमें से कोई भी एक आप काम में ले सकते हैं। और तीसरा डॉक्यूमेंट वो होगा जिससे आप आवेदन कर रहे हैं। आरटी में 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक दुर्बल वर्ग और एक असुविधाग्रस्त समूह। अब आप अगर दुर्बल वर्ग से आवेदन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डॉक्यूमेंट नंबर 3 की जगह पर अभिभावक की आय 2.5 लाख रुपये या उससे कम होने का आय प्रमाण पत्र देना होगा। और अगर आप असुविधाग्रस्त समूह से आवेदन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स आपको चाहिए अनुसूचित जाति के बालक होने का प्रमाण पत्र या फिर अनुसूचित जनजाति के होने का प्रमाण पत्र या फिर बालक अनाथ है तो उससे संबंधित दस्तावेज, यानी जिस भी तरीके से आप आवेदन कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको चाहिए डॉक्यूमेंट नंबर 3 के लिए असुविधाग्रस्त समूह में। और दुर्बल वर्ग के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दुर्बल वर्ग के लिए 2.5 लाख रुपए या उससे कम आय का आय प्रमाण पत्र आप डॉक्यूमेंट नंबर 3 की जगह दे सकते हैं। दुर्बल वर्ग से वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, क्योंकि दुर्बल वर्ग में जनरल कैटेगरी का ही यहाँ पर रोल है। बाकी बात करते हैं अन्य कैटेगरीज की, तो अन्य कैटेगरीज आपके असुविधाग्रस्त समूह में आती हैं, क्योंकि यहीं पर हमें ओबीसी देखने को मिलता है, यहीं पर एमबीसी देखने को मिलता है, यहीं पर एससी देखने को मिलता है, यहीं पर एसटी देखने को मिलता है, या फिर बालक अनाथ है, या फिर बालक कैंसर से प्रभावित, या फिर युद्ध विधवा का बालक है, या फिर बालक के जो अभिभावक हैं उनका बीपीएल बन रखा है, चाहे केंद्र से बन रखा हो चाहे राज्य से। तो जिस भी तरीके से आप आवेदन कर रहे हैं उसका प्रूफ आपको चाहिए एस डॉक्यूमेंट नंबर 3। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक में कंजूसी मत कीजिएगा, कंटेंट में जॉबलक कंजूसी नहीं करेगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आगे, तो इस बार आरटी के शेड्यूल को मैं आपको फिक्स बता दूं कि किस प्रकार से शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले फ्रेंड्स आप 11 अक्टूबर 2021 से 24 अक्टूबर 2021 तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ ही जो दस्तावेज मैंने आपको बताए हैं उनमें से कोई 3 दस्तावेज आपको अपलोड करने होंगे। दूसरा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर जो ऑनलाइन लॉटरी है वो आपकी निकलेगी 27 अक्टूबर 2021 को, और आपको जो भी विद्यालय मिलता है उस विद्यालय में रिपोर्टिंग करना होगा 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 को, और आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उपलब्ध करवाए जाएंगे स्कूल वालों को दिए जाएंगे उन आवेदनों की जांच की जाएगी स्कूल द्वारा 28 अक्टूबर से 9 नवंबर 2021 को, और अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा 10 नवंबर से 14 नवंबर 2021 तक का। और उसके बाद फ्रेंड्स फिर से विद्यालय जाँच करेगा उन डॉक्यूमेंट्स की
15 नवंबर 2021 से 18 नवंबर 2021 तक। और एट लास्ट फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे के एकदम सही डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपका सहमति देना होगा 19 नवंबर से 28 नवंबर 2021 तक। और इसके उपरांत भी अगर खाली सीटें रह जाती हैं तो आपके 30 नवंबर 2021 को उसकी घोषणा की जाएगी राज्य स्तर पर NIC द्वारा। एक सवाल मेरे से पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कई अभिभावकों के द्वारा कि सर, अगर कोई ग्रामीण है और ऐसी स्थिति में अगर वो शहर में किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको खुल के एकदम स्पष्ट जानकारी दे दूँ इस बारे में। तो ये फ्रेंड्स आपके सामने ही RTE दिशा निर्देश 2021 की PDF, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इस PDF में साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि बालक गैर सरकारी विद्यालय के आसपास के परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया में निवास करने वाला होना चाहिए। यानी आप RTE के तहत जो 5 स्कूल फील करेंगे वो आपके एरिया की ही होनी चाहिए, अन्य कहीं की नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा क्लियर करते हैं थोड़ा। तो इसके अंतर्गत लिखा गया है कि राज्य के RTE नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया शहरी क्षेत्रों से संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका जैसे भी स्थिति हो तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। यानी सिंपल और सीधी सी बात है कि अगर आपका मूल निवास कोई ग्रामीण क्षेत्र का है तो आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी स्कूल्स हैं ना, उनमें से कोई 5 स्कूल्स आप भर सकते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं, अगर आपके वहाँ पर नगर निगम लगता है तो नगर निगम की, नगर परिषद लगता है तो नगर परिषद की, और अगर नगर पालिका लगता है तो नगर पालिका की 5 स्कूल्स को आप भर सकते हैं अपनी संबंधित नगर निगम, नगर पालिका या फिर नगर परिषद के क्षेत्र में। उसके बाद भी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूँ कि इतना ही नहीं, आप अपने वार्ड की अगर स्कूल भरते हैं तो आप ज़्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि साफ और स्पष्ट लिख रखा है कि जो प्रवेश होगा ना, उसके प्रवेश का आधार मूल निवास जहाँ का बन रखा है उस वार्ड की स्कूल्स के जरिए होगा। और सिंपल सी बात है कि मान लीजिए 2 वार्ड हैं, वार्ड ए है, वार्ड बी है। अब कोई व्यक्ति वार्ड ए में निवास करता है और उसने क्या किया कि उसने 4 स्कूल्स तो वार्ड ए की भरी और 1 स्कूल भर दी वार्ड बी की। तो यहाँ पे होगा क्या, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ध्यान रखें, इस व्यक्ति के बच्चे को प्राथमिकता में नहीं रखा जाएगा वार्ड बी में। वार्ड बी में वार्ड बी के जो भी फॉर्म आए हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर यहाँ पर कोई बच्चा नहीं मिलता है इनको प्रवेश के लिए, तो ऐसी स्थिति में इस बच्चे का प्रवेश हो सकेगा। यानी आप अपनी वार्ड की स्कूल्स भरते हैं तो आपको फायदा होगा, अन्य वार्ड की भरोगे तो भाई अन्य वार्ड में तो आपसे पहले उस वार्ड वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। ध्यान रखें फ्रेंड्स, साफ और स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्थिति में विद्यालय से संबंधित शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बाहर के निवासी बालक बालिका को उस विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट है? तो आपकी बात का सवाल का जवाब भी आपको मिल चुका होगा। आप भाई जिस ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं वहाँ की 5 स्कूल्स आप भर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को आपको शहरी क्षेत्र में एडमिशन दिलवाना है तो पहले आप यहाँ का मूल निवास अवेलेबल करवाइए, या फिर जो मूल निवास के अलावा मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपका यहाँ का है तो आपका काम बन सकता है। आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। इसका ऑनलाइन फॉर्म कल 11 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्ट होते ही स्टेप बाई स्टेप विदाउट मिस्टेक इसे किस प्रकार से फील करना है इसका वीडियो भी जॉब लग आपको उपलब्ध करवा देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।